हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि सादे से दिखने वाले मुरमुरे को आप टेस्टी बना के कैसे खा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मुरमुरा इतना, आज देखिए आधा बाउल भरा हुआ है, और सौंफ दाना ये साबुत ही चाहिए, इससे तड़का लगेगा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। भुना हुआ चना चाहिए, बिना छिलके वाला भी आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। और तड़के के लिए चाहिए करी पत्ता, इसे मीठी नीम भी कोई कोई कहता है, और लहसुन कटा हुआ, इसको छिलका नहीं उतारेंगे, ऐसे ही काट देंगे, जो मोटे छिलके हों बस वही उतारेंगे, और ग्रीन चिली, आप यहाँ पर रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया है और थोड़ा ही ऑयल चाहिए। अब एक एक करके सब चीज़ें मैं इसमें डालूंगी। सबसे पहले इसमें पड़ेगा सौंफ और इसके साथ ही डाल देंगे लहसुन। लहसुन और सौंफ को थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद इसमें डालेंगे मिर्चा और करी पत्ता। करी पत्ता एकदम से बढ़िया से पक जाना चाहिए ऑयल में, नहीं तो किसी भी चीज़ में डालिए तो कड़वा टेस्ट देने लग जाता है। देखिए लहसुन गोल्डन हो गया है, अब इसमें करी पत्ता और ग्रीन चिली साथ में डाल, थोड़ा सा चटकता है इसको बढ़िया से कुक कर लेना है। अब देखिए ग्रीन चिली और ये करी पत्ता बहुत बढ़िया से कुक हो गया है, जलाना नहीं है। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक भी पड़ेंगे। अब इसमें चना और मुरमुरा डाल के भूनेंगे। हल्दी अब इसी में डाल देंगे, हल्दी सबसे पहले डालेंगे, मतलब मसालों में सबसे पहले, क्योंकि हल्दी का टेस्ट थोड़ा कच्चापन लिए हुए रहता है, तो इसे इसमें डालेंगे पहले ताकि पक जाए, और बाकी मसाले लास्ट में डालेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। ऐसे हल्दी डालने से होता क्या है ना, बहुत बढ़िया कलर आ जाता है, देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और मैं इसमें का एक दाना लेके दिखाती हूँ, देखिए अभी हुआ नहीं, अभी मुलायम है दाने, ठीक है अभी कुछ देर और हमको इस तरीके से इसको कुक करना होगा, दो चार मिनट और भूनेंगे इस तरीके से। बस इसकी पहचान ये है कि दाने कुरकुरे हो जाए, देखिए आवाज़ आ रही होगी ऐसे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया कलर आया है, एकदम से गोल्डन कलर आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब बाकी बचे मसाले भी इसमें डाल देंगे, और इसको भूनेंगे, चलाते रहेंगे कि मसाले जलने न पाए, आंच बहुत धीमी रखेंगे। देखिए बहुत बढ़िया से भून गया है, अब तुरंत बंद कर देना है गैस को, फ्लेम को, कहीं के धुएं उठने लगे, मसाले जलने लगे हैं, अब इसको जल्दी से ना दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, नहीं तो बर्तन गर्म है तो दिक्कत होगा, जल जाएगा, पकड़ लेगा। और ये मुरमुरा बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी लगता है, खाइए, ट्राई करिए, चाय के साथ खाइए, ऐसे ही खाइए, जैसे मन करे वैसे खाइए, बहुत टेस्टी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।